अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संजय गर्ग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नए सत्र में सभी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने की मांग की गई। वहीं कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्र संघर्ष समिति के छात्रों का कहना है कि शासन द्वारा यह तय किया गया है कि 5 महीने कक्षा लगी है, इसीलिए उतनी ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके विरोध स्वरूप सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति व आवास योजना की पूरी राशि तुरंत प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 142 करोड़ रुपए जमा किए और इसी तरह प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने भी ओपन बुक के नाम पर 250 करोड़ रुपए परीक्षा फीस जमा की। यहां तक कि उच्च शिक्षा में जनरल प्रमोशन देकर भी परीक्षा फीस लेकर अनेक कक्षाओं में विश्वविद्यालयों ने धन इकट्ठा किया है। यह बड़ी राशि है जिसका हिसाब हजारों करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में प्रवेश चल रहे हैं और उच्च शिक्षा में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। हम लोग छात्र संघर्ष समिति से यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट डे ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ही, और बहुत टाइम से हम लोग का मूवमेंट चल रहा है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरी दी जाए। अभी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप जो दी है वो आधी दी है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब फीस पूरी ली गई तो स्कॉलरशिप आधी क्यों दे रहे हैं। तो छात्र संघर्ष समिति और विधि विद्यालय के छात्रों द्वारा फीस को लेकर उनकी जो ग्रीवेंसेस थे उसको ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एड्रेस किया है, ज्ञापन ले लिया गया है और ज्ञापन को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित अथॉरिटी तक पहुंचा दिया जाएगा।